नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में कॉमन मिनिमम सिलेबस को प्रभावी बनाने की कवायद इन दिनों जोरों पर है, जिसे लेकर कई शिक्षकों में इसका विरोध देखा जा रहा है। आखिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है और शिक्षक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इस पर आधारित है हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कॉमन मिनिमम सिलेबस को नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों में कॉमन मिनिमम सिलेबस के विभिन्न स्तरों से अप्रूव कराकर प्रभावी बनाने की कवायद इन दिनों जोरों पर है, जिसमें 70% सिलेबस कॉमन होगा और 30% का विश्वविद्यालय स्तर पर संशोधन किया जाएगा। किंतु इसे लेकर शिक्षक जहां दबी जबान में विरोध कर रहे हैं, वहीं शिक्षक संघ खुलकर सामने आ चुका है। शिक्षकों ने इसके ड्राफ्ट में काफ़ी कमियां बताई हैं और उसमें सुधार के लिए समय भी मांगा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्षों में हुई वर्चुअल मीटिंग में शिक्षकों ने इसका विरोध किया और शिक्षकों का कहना है कि कुछ पाठ्यक्रमों के कॉमन मिनिमम सिलेबस यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड से अलग हैं, इसलिए इसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों का यह भी कहना है कि पहली बार सरकार की तरफ से सिलेबस को अप्रूव करने के लिए विश्वविद्यालय को भेजा गया है, जिसे विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। विश्वविद्यालय में कॉमन मिनिमम सिलेबस को लेकर शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया है कि सिलेबस को एक्सपर्ट फैकल्टी ने नहीं बल्कि कुछ शिक्षकों ने सीमित ज्ञान के आधार पर बनाया, जो स्वीकार नहीं है। और क्या कहना है संघ और इन शिक्षकों का, आइए सुनते हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, उसके सरकार की मंशा है कि विश्वविद्यालयों में उसको लागू कर दिया जाए और उसमें मुख्य रूप से जो चंद बिंदु हैं उसमें रोजगार पूरक कार्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ लगातार जो छात्र छोड़ना चाहें और फिर बाद में ज्वाइन करना चाहें कोर्सेज को, उसका भी प्राविधान किया गया है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे विश्वविद्यालय में भी इसके ऊपर मंथन हो रहा है और एक आदेश आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसके तहत शीघ्रातिशीघ्र कोर्सेज का सिलेबस का रिविज़न करके मांगा गया है, जिसमें कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने 70% कोर्स कंटेंट को सारे कॉमन सारे विश्वविद्यालयों में लागू किया है। और मुझको इसमें ये कहना है कि अभी शायद बहुत जल्दी होगी अगर इस पे हम कोई कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत जगह जो कोर्स बना है उसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं। बहुत ज़्यादा कोर्स कंटेंट बना दिया गया है कुछ सब्जेक्ट में, शिक्षक उतने हैं नहीं। उसी के साथ साथ कहीं कहीं पे बहुत हाई लेवल का कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अर्ली BA BSc के लेवल पे। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ जब तक दूर ना हो तब तक उसको लागू करना मेरी समझ से बहुत उचित नहीं है। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो नई पॉलिसी है वो आने वाले दिनों में समग्र विकास के लिए देश के बहुत ज़रूरी है, परंतु यकायक उस पर निर्णय ले लेना और इसमें एक इसके लिए एक प्राविधान है हमारे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत और हमारे इंस्टीट्यूट के तहत, जिसमें कि ये इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम है तो सिलेबस के लिए डिपार्टमेंटल लेवल पे बोर्ड ऑफ स्टडी, उसके बाद फैकल्टी बोर्ड, उसके बाद एकेडमिक काउंसिल और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वो पास हो करके तभी ये कोर्सेज लागू किए जा सकते हैं। अभी क्या है कि सरकार ने एक अपने स्तर पर कोर्स बनवाया है और उसमें जैसे मैंने शुरू में बताया कि कई तरह की उसमें भ्रांतियां हैं, उसके ऊपर मंथन नहीं हुआ है और एक दो दिनों में ही ऐसा आदेश आया है कि विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोग बोर्ड ऑफ स्टडी करके इसको पास कर दें। मैं सोचता हूं कि ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये जो कोर्स कंटेंट है आने वाले 5-7 साल के लिए निश्चित हो जाएंगे और अगर इनको लागू कर दिया गया तो बहुत सारी कमियाँ रह जाएंगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस पे सरकार को पुनः विचार के लिए एक बार कहा जाए और एक वृहद रूप से इस पर मंथन किया जाए, क्योंकि इसमें केवल कोर्स को ही लागू करना नहीं है, ये भविष्य की दिशा को तय करेगा हमारे देश के विकास के लिए छात्रों का जो पठन पाठन है, खास करके हायर एजुकेशन लेवल पे। एक दूसरी बात ये भी है कि अभी
चार वर्षीय यूजी कोर्स को भी और एक वर्षीय पीजी कोर्स और साथ में पीएचडी कोर्स, इस तरह के कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम्स और इसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स का भी सरकार ने उसको लागू करने का निश्चय किया है, तो उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उस पर भी कोई बात नहीं हुई है। अगर अभी हम इन कोर्सेज को पास कर देंगे तो बहुत ही जल्दी हमको दोबारा कोर्सेज अपने रिवाइज़ करने पड़ेंगे। तो मेरा ऐसा मत है कि इस पे सरकार को भी सोचना चाहिए और विश्वविद्यालय स्तर पर मैं जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज़ हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे शिक्षकों की राय ले ली जाए और उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाए, यही मेरा मत है। धन्यवाद। आज जो विश्वविद्यालयों की स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार में हो गई है उसमें एक मुझे लगता है कि गहरा संकट आ खड़ा हुआ है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता चुनौती के ऊपर एक बड़ी चुनौती सरकारों ने खड़ी कर दी है। पिछले 1.5 वर्षों से जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय आज केवल एक बिल्डिंग और एक विश्व सरकार के या सचिवालय के दिशा निर्देश पे चलने वाली संस्था बन जाएंगे, जबकि विश्वविद्यालयों की मूल परिकल्पना में उनका अध्ययन अध्यापन, स्वतंत्र अध्ययन अध्यापन उनका मूल चरित्र था। आप देखें कि आज राज्य सरकार यदि कहती है कि 70% का जो सिलेबस है वो सामूहिक रूप से राज्य सभी शिक्षक मिलकर तय करेंगे और उसके ऊपर मोहर लगाएगा शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग के जो अधिकारी और बाबू मिलकर बैठे हुए हैं वो उसको फाइनल शेप देंगे और उसको सारे विश्वविद्यालयों को पढ़ाना होगा। 30% ही स्वतंत्रता विश्वविद्यालयों के पास रह गई। अब आप ये बताएं कि विश्वविद्यालय में शिक्षक को या शिक्षण संस्थान को स्वायत्तता किस चीज़ की चाहिए? न वो अपने मन, अपने विषय को, अपने समयानुकूल अपने विषय को, अपनी रुचि के अनुकूल, अपने विश्व के जो आवश्यकताएं उनके अनुकूल वो पढ़ा सकता है, वो तो सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन से पढ़ाएगा। तो ऐसी दशा में क्या विश्वविद्यालय स्वायत्त हो पाएगा? ये बहुत बड़ा मूल प्रश्न है विश्वविद्यालय के चरित्र के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जो शिक्षक और जो प्रबुद्ध वर्ग विश्वविद्यालयों के ऊपर चिंतन करता है उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए राज्य सरकार के इस कदम पर, कि राज्य सरकार किसी भी, न केवल लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के जो 16 राज्य संचालित विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें इस प्रकार का जो विक्टोरियन रूल लागू किया जा रहा है। एक तरफ तो वो नई शिक्षा नीति लगा रहे हैं जिसकी भरपूर तारीफ हो रही थी, दूसरी तरफ इस प्रकार का नियंत्रण उनके विश्वविद्यालयों के ऊपर थोपा जा रहा है, यह न्यायोचित नहीं है और विश्वविद्यालय के मूल चरित्र को खत्म करने की एक साजिश है। ये जो कॉमन मिनिमम सिलेबस को लागू करने की बात की जा रही है उसमें मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो कॉमन मिनिमम सिलेबस की जरूरत क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई बनकर के आई है वो कहती है कि पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, नए नए तरीके पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में चल रहे होने चाहिए, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर नई एजुकेशन पॉलिसी के विपरीत तमाम यूनिवर्सिटीज में कोर्स जो चल रहा है उसको कॉमन करने की बात की जा रही है, समेटने की बात की जा रही है। तो ये अपनी ही जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ है। इसके अलावा अगर कॉमन सिलेबस करना है तो आपको पहले हाईस्कूल इंटर का करना होगा। वहां पे मुख्य रूप से 3 बोर्ड आपके उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। क्या वहां पे कुछ ऐसा प्रयास सरकार ने किया कि ये तीनों बोर्ड मिलकर के कोई एक कॉमन मिनिमम सिलेबस चलाए? वहां तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो नीचे तो स्वतंत्रता है कि क्या सिलेबस चलाए, लेकिन हायर एजुकेशन में जहां स्वतंत्रता होनी चाहिए वहां पे बाध्यता हो गई कि नहीं यही पढ़ाना है। तो इसका प्रभाव उच्च शिक्षा पर निश्चित रूप से पड़ेगा, एक बात। इसके अलावा हमारा यह कहना है कि मान लीजिए कि कॉमन सिलेबस बन भी गया तो बनने के बाद अब कहा जा रहा है विश्वविद्यालयों से कि इसको आप अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास करके दे दीजिए इस तारीख तक। जहां जहां पर जिन जिन विभागों को ठीक लगा कि नहीं ठीक है, उन्होंने उसको
अडॉप्ट कर लिया, वहां पास हो गया। लेकिन कुछ विभागों में इसको लेकर आपत्ति थी कि नहीं, ये जो है हम जो पहले पढ़ा रहे थे वो ज्यादा बेहतर था और इसमें बड़ी दिक्कतें हैं, तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, उन कमियों को जो रेस की जा रही है उनको निवारण किया जाना चाहिए, बजाय इसके जोर ये दिया जा रहा है कि इसको इस तारीख तक पास करके दीजिए। तो ये तो जबरदस्ती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एजुकेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये ठीक बात नहीं है। हमने लगातार उच्च शिक्षा में इस तरह के निर्णय जो बाहर से थोपे गए हैं उसको, उससे उच्च शिक्षा में गिरावट देखी है। चाहे MCQ सिस्टम को लागू करना हो परीक्षा के लिए, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय में 4 जिलों को जोड़ देना हो, पहले से 150 से ऊपर कॉलेज थे, 500 और जोड़ दिए गए। नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि यह संख्या घटाई जानी चाहिए, लेकिन उसके उलट जाकर के यह संख्या बढ़ा दी गई, तो अपनी ही एजुकेशन पॉलिसी का हम पालन नहीं कर रहे। तो इससे लंबे समय में हमें उच्च शिक्षा में की क्वालिटी में गिरावट दिखेगी और ये निश्चित ही दिखेगी। जब इस तरह के निर्णय बाहर से थोपे जाएंगे तो गिरावट होना निश्चित है।